पांच बारी है बनारस से बंगाल के बवाल पर हल्ला बोल करने की परिस्थिति ऐसी। जी हां, जिस राज्य में सियासत के कई रंग बदले, विचारधारा बदली, लेकिन नहीं बदला तो सियासत का रक्त चरित्र। चुनाव आयोग हैरान है, लोग परेशान है, क्या प्रचार को लहूलुहान होते हुए हम चुनावों में अब इस देश में देखेंगे। श्रीकांत शर्मा जी हमारे साथ यहां पर मौजूद है और इसीलिए श्रीकांत जी आपके पास पहला सवाल, पावर मिनिस्टर है आप यूपी के सरकार में, मुझे जरा ये बताइए कि ये जो पावर के लिए लड़ाई इस वक्त पश्चिम बंगाल में हो रही है वो कहां पर पहुंची है? ये चुनाव प्रचार चल रहा है या फिर कोई गैंग वॉर है? मतलब इस तरह से उनके लोग हमला करें, आप करें, वीडियो वॉर छिड़े, ये देश और इस देश पे आपकी सत्ता रही है 5 साल, सवाल पूछा जाएगा कि ऐसा क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में? जहां भाजपा की सरकार है वहां तो हिंसा नहीं है क्योंकि हम तो सहिष्णु हैं, लेकिन जहां असहिष्णु लोग हैं जो भाजपा को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को अभी पचा नहीं पा रहे हैं, उन्हीं राज्यों में हिंसा क्यों है? और खासतौर से ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में हिंसा क्यों है? वो तो कह रहे हैं कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं सर, वो सीधा कह रहे हैं कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं, वो कह रही है मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, अमित शाह झूठ बोल रहे हैं। आप मुझे बताइए कि दशहरे के बाद जब दुर्गा विसर्जन होता है उस पर रोक लगाना, ये क्या झूठ बोलना है? और उसमें कोर्ट के आदेश के द्वारा और कोर्ट के जज के द्वारा टिप्पणी करना कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं तुष्टिकरण की राजनीति कर रही हैं और जो धार्मिक भावनाएं हैं कहीं ना कहीं उनको ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, ये गलत है, ये झूठ बोल रहे हैं हम लोग? और टीपू सुल्तान मस्जिद का जो इमाम है वो प्रधानमंत्री के लिए फतवा जारी करता है? मेरे सर, कल क्या हुआ सर? ठीक है, ये तो पुरानी बात है, मुझे बताइए कल क्या हुआ? वो कह रही है कि आपके लोगों ने जाकर वहां पर भड़काया, ईश्वर चंद्र जो वहां पर विद्यासागर की मूर्ति थी उसको तोड़ दिया आपके लोगों ने, अब तो मौजूदा जो बीती रात, और आपके अध्यक्ष कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा था, वो तो कह रही है झूठ है। निश्चित रूप से ममता बनर्जी का जो बयान आया है, जो उसमें वो ये कह रही है कि मैं कुछ ही सेकंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस पर कब्जा कर सकती हूँ, ये तालिबानी सोच के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। आप किस बात के लिए हमको झूठे आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं कि जो तथ्य जो है वो आपको, आप उनको झुठला सकते हैं? पहले ममता दीदी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की रैली के कार्यक्रम को स्थगित किया, फिर हमारा जहां रोड शो होना था वहां से हमारे प्रधानमंत्री के और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पोस्टर को हटवाया गया, और जब उन्होंने देखा कि जनसैलाब सड़कों पर है और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग पूरी तरह से सड़कों पर आ गए हैं, फिर आपने षड्यंत्र के तहत वहाँ दंगा भड़काने की कोशिश की, आगजनी करने की आपने कोशिश की, हॉस्टल के अंदर आपके गुंडे रुके हुए थे और गुंडों ने ही मूर्ति को तोड़ने का काम किया है। आप सरेआम देख सकते हैं वीडियो के अंदर किस तरह से TMC के लोगों ने प्रहार किया, वहाँ ऊपर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रोड शो कर रहे हैं, नीचे आप कहीं ना कहीं आगजनी कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो एक ईश्वर की कृपा है कि CRPF के लोग वहाँ थे। पहले TMC ने, खासतौर से ममता जी के संरक्षण में वहां राजनीतिक हत्याएं हुई, 61 लोगों को, हमारे लोगों को मारा गया, और कल तो ये भयावह स्थिति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तहत वहां की सरकार की हत्या करने की कोशिश थी। मणिशंकर सीधा सीधा आरोप जवाब दीजिए, मणिशंकर चैटर्जी जी, वो कह रहे कि सीधा सीधा हत्या करने का ये षड्यंत्र था, अगर CRPF के लोग नहीं रहते तो BJP अध्यक्ष की जान को खतरा था। दूसरी तरफ इनका स्ट्रेट एक्यूजेशन है कि जिस कमरे में कांच की ये एक पहरेदारी के बीच ये मूर्ति रखी गई थी वहां पर BJP के कार्यकर्ता जो सड़क पर थे वो कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे टूट गई विद्यासागर की? जो आदमी गोली से मर जाता है तो बोलेगा हम जो मर्डर करता है उसी का साथ पहुंचे, नहीं पहुंचा तो मर गया, कैसे मर जाता है आदमी लोग जो बंदूक से गोली करता है? ये बात नहीं है, बात यह है कि काल जो हुआ है बहुत ये कलंक जनक अध्याय है बंगाल के लिए, कभी नहीं देखा। हम जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप है कलकत्ता बंगाल का, उसका एक इमोशनल है। हम जो पार्टी करते हैं CPM BJP कांग्रेस RSP जो करता है, अगर ईश्वर चंद्र विद्यासागर का वो मूर्ति होगा तो हम नहीं तोड़ेगा, इसका मेरा का साथ ये इमोशन जुड़ा है। जो लोग किया है उसका साथ ये इमोशन नहीं है, क्यों नहीं है? और जो लोग किया है वो लोग इधर अच्छा। का आदमी नहीं था, और बाकी हिंदुस्तान में कोई ईश्वर चंद्र विद्यासागर को नहीं जानता, इसलिए आपने बात ऐसी कही है मुझे टोकना पड़ रहा है। एक सेकेंड, ये जो आप लोग कहते हैं ना कि रविंद्रनाथ टैगोर, एक सेकेंड, रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति और उनकी प्रतिमा और उनकी शख्सियत को सिर्फ बंगाल में CPM और तृणमूल जानते हैं तो ये गलत है, ये आपके विवेक पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। इस दरवाजे खिड़की को खोलिए, वो पूरे हिंदुस्तान के हैं। अगर आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर के लिए कहते हैं कि सिर्फ CPM और TMC के लोग नहीं तोड़ सकते तो ये गलत है, वो पूरे भारत के थे, ये सब मिथ्या मत फैलाइए, ठीक है? अब आगे की बात रखिए और ये समझाइए कि TMC के लोग बड़ी शराफत से बैठे हुए थे और सिर्फ BJP ने गुंडागर्दी की। विद्यासागर क्या क्या किया है उसको पूछिए तो,
क्या क्या किया, किस लिए उसका सीधा जवाब दो अंजना जी, मैं ये पूछता हूँ, सीधा जवाब दो। आपके टीएमसी की एक प्रवक्ता ने कहा कि हमने काले झंडे दिखाए, हम वहां अमित शाह के रोड शो को हम लोग वहां डिस्टर्ब कर रहे थे और हम वहां पर खड़े हुए थे। आप एडमिट कर रहे हो कि आपने बाहर से लोगों को बुलाकर हॉस्टल के अंदर रखा हुआ था, लाठी डंडों को लेकर वो लैस थे वहां, और आपने कॉन्स्पिरेसी के तहत जो आपका गुनाह है उस पर पर्दा डालने की आप कोशिश कर रहे हैं। मूर्ति को आपने स्वयं तोड़वाया। हम तोड़ने का काम नहीं करते, हम जोड़ने का काम करते हैं। हमने संपूर्ण भारत को जोड़ने का काम किया है और आप लोकतंत्र पर कलंक है जिस तरह से आप हत्या करा रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। लेकिन जो आप राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं अपराधियों को, जिस तरह से वामपंथियों ने हत्या की, जिस तरह से वामपंथियों ने हत्या की उसी तरीके से आप पॉलिटिकल हत्या कर रहे हैं। और उसके बाद आपके मुख्यमंत्री कहते हैं मैं बीजेपी के दफ्तर पर कब्जा कर लूंगी, और हमारे प्रधानमंत्री को गुंडा कहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को गुंडा कहते हैं, सड़कों पर खुलेआम ममता बनर्जी गुंडाई कर रही हैं। हर हर विषय में आगे पॉलिटिकल ऐसे नहीं चलने वाला, आपको जनता उखाड़ कर फेंकेगी। किसी किसी टाइम में पॉलिटिकल चर्चा कर नहीं करना चाहिए। पश्चिम बंगाल के लोग करेंगे, झंडा दिखा था ये सही बात है, तख्ता पलटने का काम पश्चिम बंगाल के लोग करेंगे। जैसे वामपंथियों का तख्ता पलटा वैसे आपका तख्ता पलटने का काम करेंगे। आप गुमराह मत करिए जनता को, अगर आप गुमराह मत करिए जनता को, गुमराह मत करिए जनता को, में नई बार आप गुमराह मत करिए जनता को। लोकतंत्र में, लोकतंत्र में सभी पॉलिटिकल पार्टियों को सभी राज्यों में जाकर प्रचार करने का अधिकार है। ये कैसी तानाशाही है आपकी, जो जाता है पश्चिम बंगाल में किसी को प्रचार नहीं करने देंगे। वैंडलिज्म किया है, आप क्यों डरे हैं, किसका डर है आपको, बोलता है आखिरकार क्या डर है। चाबी दिया था, चाबी का अंदर कैसे टूटता है भाई, आप सुनना नहीं चाहते। आप गुली करते हैं, आप मर जाते हैं, यहाँ पर भी अराजकता मत करिए ना, ये तो सीधी सीधी अराजकता है। नहीं खुलेगा कैसे गुली, एक सवाल है जिसका जवाब आपको देना चाहिए। एक सेकंड, एक सेकंड, क्लियर है नारी दिनेश वाशी जी आलोक जी, एक सेकंड मिस्टर चैटर्जी, मिस्टर चैटर्जी देखिए देखिए यहाँ पे डायलॉग और ज्ञान की जरूरत नहीं है, फैक्ट सामने आने चाहिए। जाटाजी जी सुनिए, दो सवाल है आपसे, और सवाल ये किए है कि आप कह रहे हैं कि वो विरोध कर रहे थे काले झंडे। अरे कोई चुनाव प्रचार करने के लिए आएगा वहां पर, लोग काले झंडे लेके पहुंच जाएंगे कि हम प्रचार नहीं करने देंगे, दूसरी किसी पार्टी को बंगाल में आने नहीं देंगे। हर बात में आपकी ममता बनर्जी को लोकतंत्र खतरे में दिखता है इस देश में, तो लोकतंत्र तो कहता है कि हर पार्टी कहीं भी प्रचार कर सकती है। ये शर्मनाक आपका बयान जो दे रहे हैं ना, यही अलोकतांत्रिक है, आपको सहन करने की शक्ति नहीं है। ठीक है, सही लोकतंत्र में आपको सहन करने की शक्ति नहीं है, ये लोकतंत्र है। दो महीने उसके बाद तो एक्विटल करके आया, लेकिन वो तो एक्यूज्ड हुआ था, उसको तो अरेस्ट हुआ था। तो अगर वो आगे जय श्रीराम करके कलकत्ता में आगे इतने निचले स्तर पर चर्चा को मत ले जाइए, आप लोगों से अपेक्षा नहीं की जा सकती। कलकत्ता को सड़क पर सरेआम ऐसा करेगा, सड़क पर सरेआम बेगुनाह लोगों की हत्या कर देते हो। वो कैसे, वो कोई सरेआम सड़क पर बेगुनाह लोगों की हत्या करना, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के रोड, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रोड शो में आगजनी करना, देखना ही पड़ेगा उसको। इस देश के संविधान से बड़ी नहीं है सिंबल ऑफ क्रिमिनल, ममता बनर्जी देश के संविधान से बड़ी नहीं है, टीएमसी देश के संविधान से बड़ी नहीं है, आप इस देश के संविधान से बड़े हैं। हम लोग तो यूपी में जाकर किस कर्नल की बात कर रहे हैं, हम लोग गुजरात में किस कर्नल की बात कर रहे हैं, दिल्ली में जाकर नहीं करते। आप लोग क्यों बाहर से आदमी लेकर, आप कानून के ऊपर, आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं, आपको सोचना होगा जहां, अच्छा आप अदालत से ऊपर आपका आदमी, इसका मतलब तो तालिबानी सोच है आपकी, चुनाव तो गुजरात में नहीं है, इसका मतलब मौलिया सोच से आप बंगाल को कुचलना चाहते हो, आप मौलिया सोच से वहां पर भाजपा को कुचलना चाहते हो, बंगाल के लोगों को गुमराह मत करिए। आपका स्तर बता रहा है, आपके बयान बता रहे हैं, आपके शब्द बता रहे हैं कि आप तालिबानी सोच के लोगों को, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई नहीं बोला है कि काला झंडा देखिए मना है, इसका मतलब जस्टिफाई कर रहे हो, आप जो कल हुआ उसको जस्टिफाई कर रहे हो, जो ऑन रिकॉर्ड आज तक पर डीएमसी का व्यक्ति जस्टिफाई कर रहा है कल जो हुआ तोड़ा है, इससे ज्यादा और शर्मनाक क्या हो सकता है आप लोगों के लिए। ये तो सर ये शर्मनाक है, आप इमोशन, आप बोलिए ना, चंद्र विद्यासागर क्या है, आप एडमिट कर रहे हो ना कि आपने जो किया क्या उसको जस्टिफाई कर रहे हो, किस लिए उसको हम मान जाते हैं, आप षड्यंत्र के तहत भाजपा के अध्यक्ष को मरवाना चाहते थे, हत्या कराना चाहते थे, एडमिट कर रहे हो, आपने एडमिट किया कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर आपने हमला किया, आप उनकी हत्या करवाना चाहते थे, लेकिन किस लिए टीएमसी का प्रवक्ता आज तक पर इस चीज को स्वीकार कर रहा है। जब जन्मा हम सिंस बात आई नो हु इज विद्यासागर, हम लोग का इमोशन जुड़ा हुआ है, कल की हिंसा को जस्टिफाई कर रहे हो, पहला प्रमाण है, पहला प्रमाण है कि राजनीतिक हत्याओं के पीछे टीएमसी के गुंडे है, टीएमसी की गुंडई है, गुंडे है, आपका ये स्वीकारोक्ति इस बात का प्रमाण है कि आपने वहां हत्याएं कराई, पुलिस कल आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफले पर आपने हमला कराया, आप उनकी हत्या करवाना चाहते थे, आपने स्वीकार कर लिया, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है।